हाई टीवी के नाज़रीन को दोबारा खुश आमदेद कहते हैं स्पोर्ट्स क्रेज प्रोग्राम में। आपने देखा ही होगा कि हमारे साथी एनालिस्ट थोड़े से बरहम हो गए थे, नाराज चूँकि लाहौर में टेम्परेचर भी आपको पता ही है 47 से ऊपर जा रहा है, तो और जो बातें हो रही थी वो भी टेम्परेचर वाली थी। टीम पे ये एक हमारे यहाँ नहीं, हमारे स्टूडियो में नहीं, हर जगह ही यही बहस हो रही है, कोई टीम के हक में कोई टीम के खिलाफ लोग जा रहे हैं। बालम भाई को बड़े इनके मिन तरला करके दोबारा मना के लाए हैं कि बालम साहब ये जो चीज़ें होती हैं इख्तलाफात हो जाते हैं, टीम आप टीम के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं टीम के हक में बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि टीम सेलेक्ट ऐसी हुई है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा वो हो गया था, बड़ी मुश्किल से इन्हें बना के लाएँ। बालम साहब का ताल्लुक है, ऐलान तो उसका हो चुका है, वो अब तकरीबन ये जो टूर है इंग्लैंड का इसके साथ ही वो अमेरिका रवाना हो जाएगी, वो जो मेगा इवेंट है उसको खेलने के लिए। अच्छा, दूसरा ये जो मेगा इवेंट का मैच है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है जी, उसके हवाले से बड़ी बुरी खबर एक आई है, ये आप बताएंगे मेरे नाज़रीन को क्या खबर क्या है? बिल्कुल, असल में जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था और शेड्यूल हमारा जो प्रोग्राम के हवाले से जो तय था पहले से कि हमने क्या मौजूद पर बात करनी है, तो एक तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की बात थी कि जिन्होंने मीडिया को जो है वो रिक्वेस्ट की है कि जनाब एक महीना दे दें और टीम पर तनकीद ना करें, क्योंकि तनकीद से फिर वो टीम के हौसले नहीं बनते, टीम गिर जाती है, तो खुदा न खास्ता हम टीम गिराना नहीं चाहते, हम तो टीम को उठाना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम टीम को उठाएं और टीम जो है वो फिर वर्ल्ड कप उठाए। आंखें तरस गई हैं, 15 साल हो गए हैं, आखिरी बार यूनुस खान ने जो है वो ये T20 का वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद से हम तरस रहे हैं। हमारे लिए तो वर्ल्ड कप जो है वो एक ख्वाब बन गया है, तो इसलिए जज्बाती एक लगाव है टीम के साथ और चाहते हैं कि इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान की टीम बाबर आजम वो कप्तान और खुशबख्त कप्तान साबित हों कि ये वर्ल्ड कप जीत के लाएँ। लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है ऑन पेपर, तो उसमें और फिर जो तजर्बात हो रहे हैं, जो हो रहा है उस पर हमारा एतराज़ था, और चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं कि टीम पे तनकीद ना की जाए बहुत बेहतर है और होना भी यही चाहिए। हम तनकीद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक आप ओपनर्स अपने जो है वो सेट नहीं कर सके, आप जा कैसे रहे, कहाँ जा रहे, तैयारी कैसी है, इतने बड़े इवेंट की आपकी तैयारी है क्या, उस पर एतराज़ है। टीम तो ज़ाहिर यही लड़के हैं साल से खेलते आ रहे हैं और जब मौका लगता है हर कोई अपना टैलेंट दिखाता है, और साइम अयूब की आप बात कर रहे थे, साइम जूनियर था, हमने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, हमें फ़ख्र जमान हमारा बाबर और रिजवान असल में तीन ये लड़के लेके चलेंगे हमारी बैटिंग को, उसमें उस्मान को भी शामिल करेंगे, उसमें आज़म खान भी होगा, इफ्तिखार भी होगा, और हर प्लेयर अगर मिल के ये टीम करेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की वर्ल्ड कप। आपकी बात दुरुस्त है, फिर मैं अगर यहाँ पे आपकी बात रोकूंगा जी, आप फिर ये कहेंगे कि शायद आप मेरे चूंकि ये एक हद है वो मैं आपके हाथ में या आपकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री क्रॉस नहीं, कोई हद नहीं है, मिलके तैयारी क्या की है, तैयारी यही थी, उन्होंने आयरलैंड भेजा टीम को, वहाँ पे उसने मैचेस खेले, उन्होंने इंग्लैंड भेजा वहाँ मैचेस खेले, उसके बाद वो मैच बोर्ड तो यही कर सकता था ना, वो उनको अच्छी कंडीशन में अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाए बोर्ड और क्या कर सकता था। ये जो बुरी खबर अमेरिका से जो बुरी खबर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया का जो एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, जो सबसे महंगी जो टिकट बिकी है अगर किसी मैच की, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहीं जिक्र किया था, आप शायद नहीं थे उस रोज, कि एक टिकट वहाँ पर 56 लाख रुपये का क्रिकेट वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के $2,760 गालिबन एक टिकट की कीमत है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 56 लाख रुपए। उस मैच के हवाले से जो आपके पास खबर है जी जी, वो खबर मैं चाहता हूँ, वो असल में एक बहुत ही खौफनाक और खौफजदा कर देने वाली खबर है, किसी इंतहा पसंद तंजीम का एक पोस्टर जो है वो शाया हुआ है और वो सामने आया है कि जिसमें एक शख्स की बैक दिखाई गई है, जिसने अपनी बैक पे राइफल जो है वो टांग रखी है अपने शोल्डर पे, और हुड उसने जो है वो पहन रखा है, और उसके ऊपर जो है उसी एक पोस्टर में दो जो है वो ड्रोन कैमरे हैं, और फिर वहाँ उसमें जो है एक वाइट लाइन में लिखा है कि यू वेट फॉर द मैचेस, यू वेट फॉर द मैचेस, ये वाइट लाइन में लिखा, उसके आगे चार डॉट्स हैं, वार्न किया है, मतलब दहशतगर्द ने, यू वेट फॉर द मैचेस,
एंड वी वेट फॉर अमेरिका, अमेरिका जैसे मुल्क में, और अच्छा वहां पे इस किस्म के वाकयात हो भी रहे। जी जी अच्छा, और रेड लाइन में खून आलूद जिसे समझ लीजिए और इतना ही खतरनाक है, रेड में लिखा हुआ है कि एंड वी वेट फॉर यू, आगे एक क्लॉक बना हुआ है, उस क्लॉक पे भी डॉट्स बने हुए रेड इस तरह से जो है। तो ये एक पोस्टर का सामने आना, उसमें जनाब तमाम टीमों में जो है सरासीमगी फैल गई, स्पेशली उसमें ऊपर ही इसके जो है पोस्टर के डेट लिखी हुई है उसमें उन्होंने 9/6/2024 यानी 9 जून, और 9 जून को, और ये ऊपर उन्होंने नसाओ स्टेडियम न्यूयॉर्क भी उसमें प्रिंट है, यानी ये तमाम इशारे जो हैं ये मिल के पहुँच रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मैच होने वाला है नसाओ स्टेडियम न्यूयॉर्क में 9 जून को, ये तमाम के तमाम जो है इशारे उस एक मैच की तरफ जा रहे हैं, और एक खौफ और यानी दोनों तरफ हो गया है, इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी है। हालांकि हमारे यहाँ कुछ लोग जो है समझ रहे हैं कि जनाब ये आईसीसी जो है उसको खौफ ज़दा करने के लिए कोई भारतीय चाल है कि उन्होंने ये इस तरह का एक शोशा छोड़ के जो है वहाँ खौफ पैदा करने की कोशिश की ताकि ये टूर्नामेंट सबोटाज हो जाए। लेकिन बहरहाल अमेरिकन तमाम जो उनकी एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो अपने तमाम तर इंतजाम जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको उन्होंने चेक कर लिया है। आईसीसी ने भी उनसे जो है कहा है कि हमें न सिर्फ ये कि खिलाड़ी बल्कि एक एक तमाशाई, एक एक हमारा जो ग्रुप होगा वहाँ पे उन सब की जानों का तहफ़ जो है वो हमारा हमारे लिए मुकद्दम है। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज वाला, हमारी दुआएं वर्ल्ड कप के लिए हैं कि हमारी टीम बहुत बड़ा एक इवेंट में जा रही है, जिसमें हमारी बात भी बालम साहब से यही हुई थी कि ये जो वक्त है ना ये टीम आपको बकअप करने का, टीम के साथ खड़े होने का, ना कि उस पर तनकीद करना, हमारी तनकीद होती रहेगी, हम इधर ही हैं, टीम भी इधर ही, हम करते रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मौका है, एक बिग मिशन लेकर हमारी टीम गई हुई है, हमारी जो टीम है, हमारे जो कौम है उसको हमारी टीम के साथ खड़ा। सर हमारी एक ही आपसे इल्तिमास है मिर्जा साहब, टीम जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप तनकीद ना करें, टीम इंशाल्लाह जीत के आएगी, तो जनाब जीत के आए, वरना अगर कप के बगैर आई तो हम अपनी ब्रिज भी तोड़ देंगे। देखिए आप तनकीद जरूर करें, मोहसिन नकवी साहब का कोई बयान आपको अच्छा नहीं लगा, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई भी जिस लोग को अच्छा नहीं लगता या वो बात गलत करता है, सिलेक्शन गलत, उन पर तनकीद जरूर करें, लेकिन इस वक्त ये जो टाइम है ये टीम को टाइम देने का है, टीम के साथ खड़े होने का। मेरा सिर्फ आपसे ये है बड़े खिलाड़ी ना बने आप मुखालिफ टीम की जो आपके खिलाफ खेलेगा 6 जून को 9 जून को, उसके बाद जो मुकाबले होने वाले हैं, और हमारी दुआएं इस टीम के साथ हैं ताकि वो कप लेके आए पाकिस्तान। करोड़ों लोगों की दिलों की ये ख्वाहिश है, तमन्नाएँ दुआएँ, हम टीम के साथ खड़े हैं। उसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए मुझे और नियाज़ वालों को, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।